बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र में पारिवारिक झगड़ा के चलते पेट्रोल पंप कारोबारी ने गुस्से में अपनी ही मां और छोटे दो भाई बहन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में मां की तो मौत हो गई, जबकि दोनों छोटे भाई बहन गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। घटना को अंजाम देने के बाद कारोबारी ने खुद भी जहर पीकर जान दे दी। बीजापुर जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र के मुरदोंडा में देर रात सड़क निर्माण लगे एक जेसीबी सहित एक डोजर और दो ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। आवापल्ली थाना पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। रायपुर में कालीबाड़ी की टीआई चौक में रविवार को सुबह हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी निखिल यादव कालीबाड़ी की टीआई चौक के पास एक चाय पान ठेले में चाय पीने आया था। उसी समय बैजनाथ पारा के धोबी चौक के पास रहने वाले फैजान खान और प्रतीक आकर निखिल यादव पर पुराने विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर दिया। रायपुर पंडरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की संपत्ति के साथ जयदीप चक्रवर्ती नामक आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से एक नग टीवी, एक एलईडी, एक यूपीएस, दो नग दीवार पंखा, दो नग साइकिल, जर्मन के बर्तन, धमेला गन, दो नग कुकर, स्टील बाल्टी, कुर्सी जब्त किया है। महासमुंद जिले के साकरा पुलिस की टीम ने 103 किलो अवैध गांजा तस्करी करते तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गांजा को ओडिशा से छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए ला रहे थे। गांजा बरामद का बाजार मूल्य 20,06,000 रुपए बताया गया है। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के गुटुक गांव में पिता के साथ एग्जाम देकर लौट रही बेटी सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस भीषण हादसे में बाप बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तखतपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर ग्राम खमरिया के पास कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। कार दुर्घटना की सूचना डायल 112 को दी गई, जहां टीम ने पहुंचकर दोनों घायलों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि दोनों बिलासपुर कुदुदंड निवासी युवकों का नाम खुर्शीद खोकर और खालिद है। बिलासपुर में तखतपुर थाना क्षेत्र के टिकरी पारा में जिन छह मंदिरों में चोरी हुई थी उसे पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने चोर सहित चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। न्यायधानी बिलासपुर रेल मार्ग पर एक ट्रेन हादसे की सूचना मिली है। रेलवे स्टेशन के पहले आरआरआई केविन के मिडिल लाइन पर मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर जाने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों को एक घंटे के बाद बाहर निकाला गया, वही चालक सुरक्षित बताया जा रहा है। ट्रैक्टर पर अपने 3 साल के नाती युवराज और 4 साल की नातिन हरप्रिया को बिठाया हुआ था। जुताई के दौरान अचानक ट्रैक्टर मेड़ पर चढ़ गया और अनियंत्रित होकर पलट गया। जीपीएम पुलिस के द्वारा थाना गोरेला से गांजा के मामले में फरार आरोपी को उसके घर रीवा से पकड़ने में सफलता हासिल की है। गांजा तस्करी से जुड़ा ये मामला थाना गोरेला का है, जहां आरोपी वाहन चेकिंग के दौरान गांजा से भरी होंडा सिटी को छोड़कर अपने साथियों को लेकर फरार हो गया था। रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पंडरी शराब दुकान के पास शराब खरीदने के दौरान प्रार्थी से मोबाइल व 8,000 रुपए लूटने वाले दो आरोपियों आशीष विभार व मोहन रंगारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम करजी में भाई बहन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के आरोपी झोलाछाप चिकित्सक समीर विश्वास को पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पुलिस के सहयोग से
पश्चिम बंगाल स्थित नदिया जिले के सबदलपुर ग्राम से गिरफ्तार किया है। कोरबा में चोरी के शक में दो अधेड़ों की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। निजी कंपनी के सुपरवाइजर ने उन्हें लोहे की रॉड से पीटा है। इस दौरान दोनों शख्स हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे और छोड़ने की गुहार लगाते रहे, फिर भी युवक उन्हें लगातार पीटता ही रहा। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। राजनाथ गांव से लगे ग्राम कोटरा सरार में जंगली सुअर की हत्या कर मांस को बेचने के फिराक में घूम रहे चार आरोपियों को लालबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने गांव में बिजली का करंट लगाकर जंगली सुअर को शिकार बनाया था। राजनांदगांव में कांग्रेस के पूर्व विधायक भोलाराम साहू के ग्राम खुज्जी स्थित मकान में रविवार को गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। कबीलू वाला घर होने के कारण आग इतनी तेजी से भभकी कि बाहर भागकर घर वालों को अपनी जान बचाना पड़ा। आगजनी में घर का सामान भी जलकर खाक हो गया है। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल ने जिले के जगदलपुर, परपा, घोटिया, बस्तर एवं नगरनार क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान तीन वाहनों को रेत का अवैध परिवहन और दो गाड़ियों को चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर ग्राम लखनपुरी में सड़क पार कर रहे मोटरसाइकिल को ट्रक ने ठोकर मार दी। घटना के बाद इलाज के दौरान बाइक सवार महिला की मौत हो गई। धमतरी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला की घर के अंदर जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के वक्त वह घर के अंदर कमरे में सो रही थी। इस दौरान अचानक आग लग गई तो उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र में अधेड़ ने एक युवक की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि अधेड़ को अपनी बहू और गांव के ही एक युवक के बीच नाजायज संबंध होने का शक था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर जिले में कुनकुरी थाना क्षेत्र के ग्राम डुगडुनिया में तेज रफ्तार यात्री बस की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने घटना की सूचना पर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्करी कर 48 मवेशियों को वाहन में भरकर अवैध ढंग से परिवहन करने वाले दो वाहन चालक समेत चार आरोपियों को कोरिया जिले की केलहारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वन मंडल मनेंद्रगढ़ के वन परिक्षेत्र कुमारपुर के फुलझर बीट से रात के समय इमारती लकड़ी चोरी कर मध्य प्रदेश की ओर ले जाने की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला कर फरार होने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर के जीई रोड स्थित इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में रविवार दोपहर 1 बजे जमकर हंगामा हुआ। सरस्वती नगर पुलिस और नगर निगम जोन के कमिश्नर भी वहां पहुंच गए। निगम ने 6 से 8 जून तक यानी 3 दिनों के लिए स्विमिंग पूल को सील कर दिया है। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने ग्राम भोतल डीह में जुआ के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को पकड़ा है और इनके पास से 4500 रुपए भी जब्त किए हैं।